वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है जो कि आपका किसका पोर्शन है, हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए जितने भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमने एक से लेकर 16 तक एक एक करके डिस्कस कर लिया, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड का सामान्य सूत्र लिखिए, फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड का सामान्य सूत्र लिखिए, कह रहा है इसके बनाने की प्रमुख विधियों का, यानी कि इसको किस तरह से बनाया जाता है वो लिखना है, गुणों तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो किसके बारे में पूछ रहा है, फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड का सामान्य सूत्र बनाने की विधियां, गुण और इसके उपयोगों का वर्णन करना है, या और आपसे पूछ सकता है फास्जीन या फास्फाजीन्स, फास्फाजीन्स फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड होते हैं या फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड होते हैं। ठीक है, फास्फाजीन्स क्या है, इस तरह से पूछ सकता है, सामान्य सूत्र लिखिए और इनके निम्न के साथ क्रिया, नीचे दे रखा है आपका ए, ठीक है, सोडियम थायोसाइनाइड, सोडियम थायोसाइनेट, दूसरा आपका दे रखा है बी, ठीक है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, क्या है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, सी आपका दे रखा है सोडियम फ्लोराइड, डी आपका दे रखा है अमोनिया, अमोनिया। तो ये आपको चार दे रखे हैं जिनकी आपके जिनके साथ आपकी रिएक्शन करना है। ठीक है, किसकी, फास्फाजिन्स की या फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो फास्फाजिन्स है या फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड है वो क्या होते हैं, या और तीसरा आपसे पूछ सकता है कि फास्फाजिन से क्या समझते हैं, इसके बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखिए। ठीक है, तो भाई याद रखना है कि फास्फाजिन या फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, फास्फोनाइट्रिल के हैलाइड होते हैं। ठीक है, इनमें आपका एक हैलोजन लगा रहेगा, आपका क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा और क्या होगा, आपका हैलोजन होगा। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका हैलोजन। तो यहाँ अब हम बात करेंगे कि आपका जो फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड या फास्फाजिन्स है वो क्या होते हैं, आंसर कह रहा है फास्फोरस तथा नाइट्रोजन युक्त बे यौगिक, जो फास्फोरस परमाणु तथा नाइट्रोजन परमाणु के मध्य सिग्मा तथा एक पाई बंध द्वारा बनते हैं। ठीक है, किसके अणु है ये, नाइट्रोजन के और किसके हैं, फास्फोरस के अणु है। ठीक है, किसके, नाइट्रोजन और फास्फोरस के ये यौगिक होते हैं, जिनमें क्या होता है आपका जो फास्फोरस परमाणु तथा नाइट्रोजन परमाणु के बीच में एक सिग्मा तथा एक पाई बॉन्ड द्वारा बनते हैं। ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और क्या होगा, एक पाई बॉन्ड आपका मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, डबल बॉन्ड, और ये क्या होगा आपका, सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। कह रहा है फास्फोनाइट्रिलिक यौगिक या फास्जीन्स कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं आपके, फास्फोनाइट्रिलिक यौगिक या कहलाते हैं आपके, फास्जीन कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, फास्जीन कहलाते हैं। फास्फोनाइट्रिलिक यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, NPX2 का होल N, ठीक है, ये आपको याद रखना है, NPCl2 या यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, X2। ठीक है, जहाँ Cl क्या है, X, आपका कोई हैलोजन हो सकता है। ठीक है, X की जगह पे आपका क्या हो सकता है, यहाँ पर कोई भी आपका हैलोजन, ठीक है, वो आपका क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन और इनमें से कोई भी हो सकता है। तो इनका ये सामान्य सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, NPX2 का होल N, जहाँ X बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, थायोसाइनेट, H3 और C6H5, ठीक है, मैथिल और आपका फिनॉल, ये हो सकते हैं। ठीक है, फिनाइल, ये सभी यौगिक बहुलक होते हैं, कैसे होते हैं, पॉलीमर होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। फास्जीन्स में सबसे अधिक महत्वपूर्ण फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड है, क्या है आपका, फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका कोई क्या होगा, कोई हैलोजन लगा होगा, हैलोजन लगा होगा। ठीक है, वो हो जाएगा आपका फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड हो जाएगा। ये अकार्बनिक रबर भी कहलाते हैं, इनको क्या कहलाते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक रबर के नाम से भी इनको जानते हैं। मुख्य फास्फोनाइट्रिल क्लोराइड का
सामान्य सूत्र आपका क्या होगा, NPCl2 का होल एन, क्या होगा NPCl2 का होल एन, ये आपका हो जाएगा मुख्य मुख्य नाइट्रो मुख्य फॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड का सामान्य सूत्र, जहां आपका एन दो या दो से अधिक कोई संख्या हो सकती है, ठीक है, दो या दो से अधिक आपकी कोई संख्या हो सकती है एन। अब हम बात करेंगे फॉस्फाजिंस के बनाने की विधियां, फॉस्फाजिंस के बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फाजिंस, तो कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा फॉस्फाजिंस को तैयार किया जा सकता है, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। कह रहा फॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड बनाने की प्रमुख विधियां नीचे दे रखी हैं। पहला, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया अमोनिया से कराने पर, सबसे पहले क्या करना है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 लेना है, और क्या लेना है आपको NH3 अमोनिया, ठीक है, तो PCl5+NH3 इनकी अभिक्रिया करा दो, तो इनकी अभिक्रिया से क्या बनेगा PCl5+NH3 ले लिया हमने, तो हम जानते कि जो हमारे फॉस्फाजींस होते हैं, ठीक है, उनका सूत्र क्या होता है, उनका सूत्र क्या होता है NP और X2 का होल N, X क्या होता है आपका हेलोजन, ठीक है, क्या होगा हेलोजन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस, यहाँ क्या है आपका फास्फोरस, यहाँ से एक नाइट्रोजन यहाँ आ जाएगा। अब देखो PCl5 की अगर हम बात करें तो PCl5 यानी कि फास्फोरस से आपके कितने Cl लगे रहेंगे, पाँच, कुछ इस तरह से, दो दो तीन चार पाँच, इसी तरह से आपके नाइट्रोजन से कितने लगे रहेंगे हाइड्रोजन, तीन, ठीक है, नाइट्रोजन से आपके तीन हाइड्रोजन लगे रहेंगे, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका लोन पेयर रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा लोन पेयर रहेगा। अब अगर हम बात करें कि ये जो तीन नाइट्रोजन के साथ में तीन हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन PCl5 के तीन क्लोरीन द्वारा क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे और HCl की फॉर्म में निकल जाएंगे, ठीक है, ये तीनों हाइड्रोजन क्या होंगे अमोनिया के तीन क्लोरीन के साथ में कुछ इस तरह से बॉन्ड बना के बाहर चले जाएंगे, किसकी फॉर्म में HCl की फॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ से तीन HCl आपके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखो तीन HCl कब निकलेंगे, जब एक मॉलिक्यूल होगा अमोनिया का, अब अमोनिया के मॉलिक्यूल कितने हैं तीन, जब तीन मॉलिक्यूल होंगे अमोनिया के तो तीन से मल्टीप्लाई कर दो, कितने HCl आपके बाहर चले जाएंगे, नौ HCl, कितने नौ HCl आपके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तो निकाल दो भाई नौ HCl आपके बाहर निकल गए, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बराबर यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या कितनी है तीन, और यहाँ पर फास्फोरस की संख्या कितनी है तीन, तो तीन ही एन है आपके पास और तीन ही पी है आपके पास, ठीक है, तो तीन एन और तीन पी, और सी एल आपके कितने हो गए, सी एल कितने हो गए, यहाँ से कितने निकल गए थे, यहाँ से आपके तीन निकल गए थे 15 में से तीन, तो कितने बचे नौ, नौ यहाँ चले गए और यहाँ कितने थे 15, तो कितने गए छः सी एल आपके बचे, ठीक है, छः सी एल, तो क्या हो जाएगा तीन दूनी छः, ठीक है, तो NPCl2 का होल थ्राइज, NPCl2 का होल थ्राइज, ये पीछे वाली संख्या इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, इनमें सब में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, छः सी एल हो जाएंगे आपके और तीन पी और तीन एन, तो इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है, क्या बना सकते हैं आपका फॉस्जीन बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं फॉस्जीन। सबसे पहले क्या करा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया हमने किससे कर दी, अमोनिया से कर दी, और आपको क्या मिल जाएगा फॉस्जीन जो है यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, आपके नौ HCl बाहर निकल जाएंगे। सेकंड कह रहा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया 135 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनियम क्लोराइड के साथ कराने पर इसमें ट्राइक्लोरो इथेन अभिक्रिया विलायक प्रयुक्त किया जाता है। अब हमने क्या करना है सेकंड में क्या कह रहा है कि आपका जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है इसकी क्रिया 135 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसके साथ अमोनियम क्लोराइड के साथ में कराने पर इसमें ट्राइक्लोरोइथेन अक्रिय विलायक क्या मिलाया जाता है अक्रिय विलायक, ठीक है, ऐसा विलायक होता है जो क्रिया नहीं करता है, ठीक है, कैसा होता है नॉन रिएक्टिव आपका सॉल्वेंट होता है, इसको क्या कर देते हैं प्रयुक्त कर देते हैं, इसकी उपस्थिति में इसको कराया जाता है। तो हमने क्या ले लिया भाई पेंटा क्लोराइड, ठीक है, क्या है आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है प्लस आपका क्या है अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों की अभिक्रिया कराने पर आपका क्या बनेगा आपका फिर से वही बन जाएगा फास्फाजीन, क्या बन जाएगा आपका फास्फाजीन, और हाइड्रोजन यहाँ से आपके कितने निकल जाएंगे NH4 पे कितने हाइड्रोजन है भाई NH4 की अगर हम बात करें NH4
फोर और आपका सीएल, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है चार, ठीक है, कितने हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन है, तो चार सीएल बन जाएगा, क्योंकि हमारा जो फास्फा जीन का सूत्र होता है उसमें हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो जितने हाइड्रोजन होंगे उनको हमें सबको बाहर निकाल देना है क्लोरीन के साथ में, ठीक है। तो यहाँ से कितने, चार चार हाइड्रोजन है आपके, अब चार सीएल आपको चाहिए होंगे यहाँ से, ठीक है, चार सीएल आप यहाँ से ले लो, एक सीएल ये है, कितने हो गए पाँच, और एक छः, टोटल छः है, तो यहाँ से निकाल दो, एक यहाँ से निकाल दो, तीन चार यहाँ से निकाल दो, तीन, ठीक है, तभी आपके क्या निकल जाएंगे, चार एच सी एल, तो यहाँ पर आपके चार एच सी एल बाहर आ जाएंगे, और यहाँ से क्या बच जाएगा आपका, नाइट्रोजन फास्फोरस और सी एल टू का होल एन, ये जो एन है ये क्या है, इसके मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, क्या है, अणु हैं, ठीक है, एन अणु आपके आपके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के, और एन ही अणु आपके किसके हैं, अमोनियम क्लोराइड के, ठीक है, इसके एन एन मॉलिक्यूल हैं जो कि दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। अब ये आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, आपका फास्फा जीन्स का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, और फॉर्म में आपका जो आपका को प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एच सी एल होगा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके भी एन मॉलिक्यूल होंगे, क्या होंगे, एन मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके भी एन अणु होंगे, एक दो यहाँ पर कोई लिखा नहीं जाएगा। इस अभिक्रिया में फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइडों का मिश्रण प्राप्त होता है, यहाँ पर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइडों का एक मिक्सचर मिलेगा, कह रहा है फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइडों के मिश्रण को आसवन द्वारा पृथक कर लिया जाता है। अब ये जो आपको मिक्सचर मिलेगा यहाँ पर फास्फोनाइट्रिल क्लोराइडों का, इनको क्या करना है, इनका आपको क्या करना है, इस मिश्रण को आसवन द्वारा पृथक कर लिया जाता है, यानी कि इसको क्या करना है, इसका आसवन कर देना और इसको अलग अलग दोनों चीजों को कर लेना है, ठीक है, जो भी उसमें मिला हुआ है, ठीक है, फास्फोनाइट्रिल क्लोराइड में। थर्ड आपसे कह रहा है 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्लोरीन में, ठीक है, किसमें, क्लोरीन में, ठीक है, T3N5 क्या हो जाएगा आपका, पेंटा नाइट्रोजन और ट्राई फास्फेट, पेंटा नाइट्रोजन ट्राई फास्फोरस को गर्म करने पर फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड का मिश्रण प्राप्त हो जाता है। अब भाई इसको, ठीक है, पेंटा नाइट्रोजन ट्राई क्लो फास्फेट को गर्म करने पर किसके साथ, क्लोरीन में, ठीक है, किसमें, क्लोरीन में इसको गर्म कर दो, कितने पर, 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब आपको क्या मिलेगा, फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड का एक मिक्सचर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो किस तरह से इसमें करना है, किस तरह से इसको गर्म करना है, ठीक है, अभी ये आ गया आपका, ठीक है, पेंटा नाइट्रोजन ट्राई फास्फेट, इसके एन मॉलिक्यूल हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं, एन मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, एन अणु हैं, और एन ही अणु आपके किसके हैं, क्लोरीन के, टेम्परेचर आपका लगभग कितना होगा, 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब इसको आप गर्म करोगे तो आपका क्या बनेगा, फास्फा जीन बनेगा, क्या बनेगा, फास्फा जीन, नाइट्रोजन भी है आपका, फास्फोरस भी है, क्या चाहिए, क्लोरीन, वो आपका कहाँ से, यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, तो इसके एन मॉलिक्यूल आपको मिल जाएंगे, प्लस साथ में क्या बन जाएगा आपका, सह उत्पाद, यानी कि कोई दूसरा उत्पाद भी आपका इसके साथ में बन सकता है, ठीक है, कब, जब यहाँ पर सी एल टू के साथ में कुछ और होगा, ठीक है, तब आपका कोई सह उत्पाद बनेगा। फोर्थ कह रहा है S4N4 क्या हो जाएगा आपका, टेट्रा नाइट्रोजन, टेट्रा नाइट्रोजन और आपका टेट्रा सल्फर, टेट्रा नाइट्रोजन और टेट्रा सल्फर तथा आपका क्या है, SOCl2, क्या है आपका, SOCl2, ठीक है, क्या है, SOCl2, इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फोक्साइड क्लोराइड भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सल्फोक्साइड क्लोराइड, क्या है ये, SOCl2, सल्फोक्साइड क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है, या इसको थायोनिल क्लोराइड कहते हैं, क्या कहते हैं, थायोनिल क्लोराइड कहते हैं, सल्फोक्साइड क्लोराइड, या इसको थायोनिल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो किसको, S4N4 तथा SOCl2 को PCl3 के साथ गर्म कराने पर आपका क्या बनता है, आपका फास्फाजीन बनता है, क्या बनता है, फास्फाजीन प्राप्त होता है, यहाँ पर थ्री लिखा है, यानी कि फास्फाजीन्स के आपको तीन मॉलिक्यूल मिलेंगे, S4N4 और ये आपका आ गया SOCl2 प्लस आपका क्या आ गया, PCl3, ठीक है, तो इन तीनों को मिला दिया,
H4N4 SOCl2 को PCl3 के साथ में गर्म करने पर, तो PCl3 के साथ में इनको क्या कर दो, गर्म कर दो, ठीक है, मिटा रहा। तो ये हो जाएगा आपका ये SOCl2, ये क्या हो गया आपका PCl3। हम जानते हैं कि जो हमारा फास्जीन होता है उसका सूत्र क्या होता है, NH जी, ये क्या हो गया, NP हो गया यहाँ पर भाई, ठीक है, NPCl2। अब देखो N यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं आपके पास, चार नाइट्रोजन है, कितने नाइट्रोजन है, चार। तो हम जानते हैं कि जो हमारा फास्फाजीन होगा उसमें चार नाइट्रोजन होंगे, ठीक है, जब चार नाइट्रोजन होंगे तो चार ही आपके फास्फोरस होने चाहिए, कितने होंगे, चार नाइट्रोजन और चार ही आपके क्या होंगे, फास्फोरस। अब Cl2 होता है, क्या होता है, Cl2 होता है, तो Cl2 को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो चार हमारे नाइट्रोजन होगा, ठीक है, होगा। अब फास्फोरस हमारे पास कितने हैं, फास्फोरस कितने हैं यहाँ पर, 12, 12 फास्फोरस, ये अभी है नहीं, इनको पूरा किया गया, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर PCl3 था, लेकिन PCl3 को बैलेंस करने के लिए हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 12 से, ठीक है, कितने से, तो आपके 12 फास्फोरस हो गए, और क्या हो जाएगा आपका 36, Cl आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 36 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो जो आपका एस है, ठीक है, सल्फर है, वो आपका बाहर निकल जाएगा, एस सल्फर आपका बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन भी आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और क्लोरीन भी आपका बाहर निकल जाएगा, सल्फर ऑक्सीजन क्लोरीन ये सब अपने अलग अलग फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। तो 10 आपका सल्फर निकल गया, ठीक है, और आपका ऑक्सीजन निकल गया, और आपका क्या निकल गया, Cl2 निकल गया, ठीक है, ऑक्सीजन Cl2 और आपका सल्फर। अब फास्फोजिन्स का सूत्र क्या होता है, NPCl, ठीक है, क्या होता है, NPCl2, देख लो भाई, NP और Cl2 ये होता है का होल N, ठीक है। अब इसे पूरा करने के लिए भाई नाइट्रोजन हमारे पास चार थे, तो हमने क्या लिख दिया, चार लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया, चार, तो नाइट्रोजन हमारे हो गए चार, फास्फोरस कितने हो गए, चार, और यहाँ पर अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन हमारे पास कितने हो गए, क्लोरीन हो गए हमारे पास आठ, ठीक है, कितने हो गए, आठ हो गए। लेकिन यहाँ पर पहले क्लोरीन कितने थे, केवल दो क्लोरीन थे, और यहाँ पर तीन और दो कितने थे, केवल पांच थे, हो कितने गए, आठ। तो इन्हीं को बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 6 से कर दिया, यहाँ पर 12 से कर दिया, ठीक है, इनको बैलेंस करने के लिए, यहाँ पर कितने हो गए क्लोरीन, 8 हो गए आपके, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, और बाकी आप क्या करोगे, यहाँ पर सब में मल्टीप्लाई कर दोगे और आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट कह रहा है, अकार्बनिक रबर या रेखीय फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड, इनऑर्गेनिक रबर और क्या हो जाएगा, लीनियर फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड की अगर हम बात करें तो ये क्या होंगे, क्या होंगे आपके, लीनियर होंगे, ठीक है, और कैसे होंगे, इनऑर्गेनिक होंगे, अकार्बनिक होंगे, मतलब कि इसमें आपको कार्बन का मॉलिक्यूल या कार्बन का एटम देखने को नहीं मिलेगा। जब PCl5 तथा अमोनियम क्लोराइड को एक साथ टेट्रा क्लोरोमेथेन में गर्म किया जाता है, किस किस को, PCl5 और अमोनियम क्लोराइड को एक साथ क्या करना है अभी, टेट्रा क्लोरोमेथेन में गर्म किया जाता है, तो एक पेट्रोलियम ईथर में अबले पदार्थ प्राप्त होता है, क्या मिलता है, एक पेट्रोलियम ईथर में हमें क्या मिलेगा, अघुलनशील एक पदार्थ मिलेगा, ठीक है, जो ना घुलता हो। इसका लगभग संगठन क्या होगा, इसका संगठन लगभग ये होगा, क्या होगा, NPCl2 का होल एन डॉट PCl5, NPCl2 का होल एन और PCl क्या होगा, 5 होगा, जहां एन क्या है, 10 से 15, एन बराबर क्या हो सकता है आपका, 10 से 15 हो सकता है एन का मान यहाँ पर, ठीक है, ये कितने हो सकते हैं आपके, 10 से 15। संरचना कुछ इस तरह से होगी इसकी, ठीक है, तो ये किस तरह से हो जाएगा आपका, यहाँ पर अगर हम बात करें क्या है, फास्फोरस डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये क्या होता है आपका PCl5, क्या होता है PCl5 को इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, PCl5 को हम इस तरह से लिखते हैं। अब PCl5 को इस तरह से लिखोगे और क्या है आपका, अमोनियम क्लोराइड, क्या है आपका, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, PCl5 प्लस NH4 और Cl, ये हो गया अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ से क्या होगा भाई, यहाँ से आपका HCl बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका HCl जो होंगे वो आपके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, जब PCl5 और अमोनियम क्लोराइड की जब आप रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, HCl आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, टेट्रा क्लोरो मेथेन, टेट्रा क्लोरो यानी कि CHCl3,
ये ट्राइक्लोरोमेथेन हो गया, CCl4, ठीक है, CCl4 टेट्राक्लोरोमेथेन में गर्म करानी है, ठीक है, तब क्या होगा आपका HCl बाहर निकल जाएगा, और कुछ इस तरह से जो अमोनियम क्लोराइड होगा NH4Cl होगा, उसका नाइट्रोजन क्या होगा फास्फोरस से डबल बॉन्ड द्वारा लिंक हो जाएगा या डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएगा, क्योंकि जो आपका फास्फोरस होता है वो कितने क्लोरीन से बंधा हुआ है, 5 क्लोरीन से, 2, 3, 4, 5 क्लोरीन से। तो यहाँ पर ये 2 आपके क्लोरीन हटेंगे और इससे क्या होगा नाइट्रोजन यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड की जगह पर, क्या बना लेगा पी डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इस तरह से आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी स्पीसीज जो है बहुत सारी स्पीसीज आपस में जुड़ी हो सकती हैं, ठीक है, इस तरह से आपके एन मॉलिक्यूल आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और लास्ट वाला भी क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा पी सी एल फाइव होगा, क्या होगा पी सी एल फाइव होगा। तो यहाँ पर आपको 4 Cl दिखाई दे रहे हैं, अब यहाँ पर क्या होगा नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो एक नाइट्रोजन का सिरा क्या होगा डबल बॉन्ड से फास्फोरस द्वारा जुड़ा रहेगा, अगला क्या होगा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा अगले वाले मॉलिक्यूल से, ठीक है। अब यहाँ पर जो आगे नया मॉलिक्यूल आएगा नाइट्रोजन का, वो क्या होगा इन दोनों कार्बन को हटा के डबल बॉन्ड द्वारा फास्फोरस से जुड़ा रहेगा, इस तरह से आगे फिर एक बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहेगा, अगला फिर आएगा इसी तरह से डबल बॉन्ड द्वारा फिर सिंगल बॉन्ड द्वारा, तो ये क्रम यही चलता रहेगा आपका, ठीक है। ठीक है, क्या मिल जाएगा आपका टेट्रा क्लोरोमेथेन में गर्म किया जाता है, किस किस को PCl5 को और अमोनियम क्लोराइड को, ठीक है, टेट्रा क्लोरोमेथेन में गर्म करने पर आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। क्या है देखिए, फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड था ये। बात करते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड में 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कितने से 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑक्सीजन की अधिकता में आपके फिर आ गया फास्जीन को NPCl2 का होल थ्राइज को गर्म करने पर एक रेखीय बहुलक प्राप्त होता है, क्या मिलेगा आपको लीनियर पॉलीमर मिलेगा, यह पदार्थ रबर के समान होता है और इसकी निम्न प्रकार की संरचना होती है, कब मिलता है ये, क्या करते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, क्या होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी कि CCl4, क्या होगा CCl4 को कितने तक गर्म करना है 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑक्सीजन की अधिकता में, यानी कि यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीजन होगा आपका एक्सेस में, ठीक है, अधिक अमाउंट में आपका ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो इसकी अधिकता में जब आप गर्म करोगे तो क्या मिलेगा NPCl2 का होल थ्राइज को गर्म करने पर एक आपका रेखीय बहुलक प्राप्त होता है, ठीक है, इनकी अधिकता में किसके साथ कार्बन टेट्रा क्लोराइड में कितने पर 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑक्सीजन की अधिकता में NPCl2 के होल थ्राइज को इसको गर्म करना है, ठीक है, किसको गर्म करना है भाई, गर्म हमने इसको करना है, इसको गर्म करना है, तो क्या मिलेगा आपका एक लीनियर पॉलीमर मिलेगा, क्या मिलेगा एक रेखीय बहुलक प्राप्त होगा, यह रबड़ के समान होता है और इसकी संरचना कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी। तो हमने क्या करा था, हमने क्या लिया था भाई NP और Cl2 का होल थ्राइज इसको लिया था, इसको हमने क्या कर दिया था गर्म कर दिया था, किसके साथ CCl4 था हमारे पास, ऑक्सीजन था अधिकता में और टेम्परेचर कितना था आपका 250 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड, लेने पर आपको क्या मिलेगा अब ये जो आपका NPCl2 है, क्या है NPCl2 ये क्या करेगा आपस में एक दूसरे से लिंक हो जाएगा कुछ इस तरह से, नाइट्रोजन फास्फोरस Cl2 और ये आपका Cl2, तो ये क्या हो गया आपका NPCl2 एक मॉलिक्यूल हो गया, क्या हो गया NPCl2 का एक मॉलिक्यूल आपका ये हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल आपका कुछ ये हो जाएगा, थर्ड मॉलिक्यूल आपका ये हो जाएगा एंड फोर्थ ये हो जाएगा, और आगे भी ये जाके आपका जुड़ जाएगा, ठीक है, और आगे किस तरह से जुड़ेगा यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका फास्फोरस आ जाएगा, और इसी फास्फोरस से आपके 2 Cl इस तरह से लग जाएंगे, ठीक है, फिर क्या होगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और सिंगल बॉन्ड फिर फास्फोरस आ जाएगा, और इसी तरह से ये क्रम चलता रहेगा, और हमें क्या मिलेगा एक लंबी श्रृंखला वाला एक पॉलीमर मिलेगा, बहुलक मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा एक लंबी श्रृंखला वाला पॉलर मिलेगा, पॉलीमर मिलेगा, ये है कैसा अकार्बनिक रबर है, कैसा है अकार्बनिक है, NPCl2 का होल एन, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके होल एन लगा होगा, ठीक है, 2 हो सकता है 4, 10, 5, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से ये आपका बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके भौतिक गुणों की, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें फॉस्फाजीन्स की, ठीक है,
फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? कह रहे अधिकांश अध्ययन ये आपका क्या फॉस्फाजीन NPCl2 का होल थ्राइज तथा NPCl2 का होल फोर, NPCl2 का होल थ्राइज और होल फोर, ठीक है, दो तीन हो सकते हैं और चार का किया गया। इनके प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं, यानी कि इनका और इनका, ठीक है, ये कितने मॉलिक्यूल हैं? तीन। इसके कितने मॉलिक्यूल हैं? चार, ठीक है। तो इनका अध्ययन किया गया तो आपको क्या मिला? इनके निम्न गुण मिले, जो कि नंबर एक क्या कहता है कि NPCl2 का होल थ्राइज का गलनांक कितना होगा? 114 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। NPCl2 का होल थ्राइज का गलनांक कितना होगा? 114 डिग्री सेंटीग्रेड, तथा क्वथनांक कितना होगा? 256 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। गलनांक और क्वथनांक, गलनांक में जब किसी ठोस को, किसको, किसी सॉलिड पदार्थ को गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है तो वह क्या हो जाता है? पिघल जाता है। कितने पर पिघल रहा है ये क्या हो जाएगा? उसका गलनांक हो जाएगा। अब जो पिघल के हमें क्या मिलेगी? इसकी लिक्विड फॉर्म मिलेगी या द्रव अवस्था मिलेगी। अब इसको गर्म करने पर ये कितने पे खोलेगा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। तो गलनांक क्या हो जाएगा इसका? 114 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वथनांक क्या हो जाएगा? 256 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यह है बेंजीन और ईथर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में अभिलेय है। बेंजीन, ईथर और कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये क्या है आपके? ये आपके ऑर्गेनिक, क्या है आपके? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। क्या है आपके? कार्बनिक विलायक है, ठीक है। क्या है? कार्बनिक विलायक है, लेकिन इनमें ये आपका जो फॉस्फाजीन है ये कैसा है? अभिलेय है, ठीक है। कैसा है? अभिलेय है, ठीक है। ओ सॉरी, विलेय है, इनमें ये घुल जाता है आपका, ठीक है। कार्बनिक विलायकों में क्या है आपका? बेंजीन, ईथर और कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, CCl4, इनमें ये आपका विलेय है और घुल जाता है आसानी से। दूसरा कह रहे हैं NPCl2 का होल थ्राइज या NPCl2 का होल फोर संतापक, इरिटेटिंग तथा विषाक्त, टॉक्सिक होते हैं। कैसे होते हैं? संतापक होते हैं और ये कैसे होते हैं? टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, जहरीले या विषैले कह सकते हैं। रासायनिक गुणों की अगर हम बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इसके कुछ रासायनिक गुण हैं, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है आपका? कह रहा है NPCl2 का होल थ्राइज, NPCl2 का होल फोर, यानी कि NPCl2 जो फास्फोजीन है उसके अगर आप 3 मॉलिक्यूल लोगे और उसके आप 4 मॉलिक्यूल लोगे तो क्या मिलेगा? को गर्म करने पर, दोनों को गर्म करने पर, अध्ययन किनका किया था? NPCl2 का होल थ्राइज और NPCl2 का होल फोर, इन्हीं का अध्ययन किया गया था। उसी के आधार पर आप भौतिक और रासायनिक गुणों को देख रहे हैं, ठीक है। तो दोनों को गर्म करने पर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर पॉलीफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड बनाते हैं। दोनों क्या बनाते हैं? 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर इन्हें आपस में गर्म कर दोगे या अलग अलग गर्म कर दोगे तो क्या मिलेगा? पॉलीफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, यानी कि बहुत सारे इनके अणु आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे? पॉलीफॉस्फोनाइट्रिलिक, यानी कि इसके बहुत सारे अणु बना लेंगे। यह एक प्रत्यास्थ बहुलक है। कैसा है? प्रत्यास्थ बहुलक है, जिसका अणुभार लगभग कितना होता है? कितना होगा? 20,000। कितना होता है? 20,000, जो कि कैसा होता है आपका? हाइपोथेटिकल होता है, ठीक है। यह है 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर विघटित हो जाता है। क्या हो जाता है? 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर विघटित हो जाता है या टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, ठीक है, याद रहेगा ना। अब हम बात करते हैं इसके जल अपघटन की, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है आपका? जल अपघटन, या कहते हैं इसको हाइड्रोलाइसिस। क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस, यानी कि जल के साथ में क्रिया, ठीक है। जल अपघटन मीन्स जल के साथ अपक्रिया। अब इसके जल के साथ में अपक्रिया कुछ इस तरह से करानी है। कह रहा है जल अपघटन पर कुछ सीएल परमाणु, कुछ सीएल परमाणु ओएच द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। जो आपका ओएच ग्रुप होता है जल में, ठीक है, किसमें? जल में। सीएल2 आपका सीएल किसमें है आपका? फॉस्फोजिन्स में आपका सीएल परमाणु है। जल में आपका क्या मिलेगा? ओएच, ठीक है। हम जानते हैं कि जल जल को घोलने पर H+ और OH आयन देता है ये। तो OH क्या करेगा कि जो आपका फॉस्फोजिन्स होगा वहां से क्या करेगा? क्लोरीन को अपने साथ में बाहर ले जाएगा, ठीक है। क्या करेगा? क्लोरीन द्वारा विस्थापित हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन परमाणु क्या करेगा? OH, जो OH- का मिलता है और H+ का मिलता है, तो ये जो OH है ये क्या करेगा? सीएल परमाणु को विस्थापित कर देगा और सीएल की जगह पे जाके क्या हो जाएगा? ये खुद से लग जाएगा, ठीक है। सीएल की जगह पे OH जाके खुद से लग जाएगा और H के साथ में क्या करेगा? HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये आपको एक मॉलिक्यूल दे रखा है, ठीक है, क्या है आपका फास्फा जीन है, क्या है आपका फास्फा जीन है, जिसका सूत्र क्या है, NpCl2 का होल थ्रा, यानी कि तीन मॉलिक्यूल हैं इसके आपस में कनेक्ट, ये तीन मॉलिक्यूल इसके आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है। पहला मॉलिक्यूल ये है आपका, दूसरा आपका ये है, और तीसरा आपका ये है। तो तीनों मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इसकी रिएक्शन, इसका क्या करवाना है हमें, हाइड्रोलिसिस कराना है, यानी कि जल के साथ में अभिक्रिया करा देनी है। तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जल अपघटन कराने पर जो सीएल परमाणु होते हैं वो जल के ओएच द्वारा क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, यानी कि जल का जो ओएच भाग होता है वो क्या कर देता है, सीएल परमाणु को विस्थापित कर देता है और उसकी जगह पे जाके खुद से अटैच हो जाता है। और OH का बचा हुआ जो H+ वाला भाग होता है, क्या होता है, H+ होता है, ये किसके साथ में, Cl- के साथ में मिलकर क्या बना लेता है, HCl का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पर आपका HCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर कितने Cl है, एक Cl, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो छः Cl है। अब यहाँ पर छः H2O चाहिए होंगे, कितने H2O चाहिए होंगे, छः HOH चाहिए होंगे, तो ये Cl क्या होगा, HOH, ये लिख गया एक वाटर, तो ये क्या हो जाएगा, ये HCl बन जाएगा और ये OH- का इस फास्फोरस से जुड़ जाएगा। इसी तरह से HOH, ये HCl बाहर निकल जाएगा, ये OH जाके पी से लग जाएगा, ये भी आपका HOH, ये HCl और ये OH कहाँ लग जाएगा, पी से जाके लग जाएगा। इसी तरह से HOH, ये -HCl बाहर और ये आपका OH लग जाएगा। तो इसी तरह से 6 Cl को हटाकर 6 जगह आपका OH लग जाएगा जाके, ठीक है, और 6 मॉलिक्यूल आपके HCl के बाहर निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा, और ये आपका जो है मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, N3P3, क्या है भी, नाइट्रोजन भी तीन है आपके, 1, 2, 3, फास्फोरस भी तीन है आपके, लेकिन OH कितने आपके, 6 हैं, कितने हैं, 6, तो क्या हो जाएगा, N3P3 और OH का होल 6, N3P3 और OH का होल 6 आपको यहाँ से मिल जाएगा, कब, जब आप जल अपघटन कर दोगे तब, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करने पर। कह रहा समावयवी परिवर्तन, अब इसमें क्या करना है, परिवर्तन करना है, कुछ किस तरह से हो जाएगा समावयवी परिवर्तन, यहाँ पर H नहीं है, क्या है, ऑक्सीजन बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीजन। अब क्या करना है, जो आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में डबल बॉन्ड था, क्या था, नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में आपका जो ये डबल बॉन्ड था, ये वाले बॉन्ड, ये, अब इनमें देखो कुछ किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, कुछ इस तरह से कर लो यहाँ पर। अब देखो ये जो आपका फास्फोरस है, जिससे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, अब दोनों जगह OH लगा हुआ है, तो एक जगह का हाइड्रोजन क्या होगा, एक जगह का हाइड्रोजन आपका मान लो कुछ इस तरह से लगा है, ठीक है, इस तरह से, और ये क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे क्या होता है, आपका लोन पेयर होता है, तो मान लो क्या हुआ, ये हाइड्रोजन आपका कहाँ आ गया, टूट के इस वाले नाइट्रोजन पे, ठीक है, कहाँ आ गया, नाइट्रोजन पे आ गया। अब ये जब नाइट्रोजन पे आएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर कुछ इस तरह से बन जाएगा कि ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, ये अब चाहेगा कि डबल बॉन्ड बन जाए, क्या चाहेगा, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड बनाता है, कितने, दो बॉन्ड बनाता है, तो जब ये चाहेगा दो डबल बॉन्ड इस पे बन जाए, तो क्या होगा भाई, ये वाला पास वाला बॉन्ड जो है इसका, ये जो डबल बॉन्ड है वो कुछ इस तरह से इसका टूट जाएगा, ठीक है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, तो इस वाले बॉन्ड को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, इसका जो OH है, ठीक है, इस पर जो OH लगा हुआ है, इसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, या बॉन्ड ये टूट जाएगा। अब क्या होगा, इनके बीच में आपका एक बॉन्ड बन जाएगा, कहाँ बन जाएगा, आपका ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह से क्या होगा, इसका जो पड़ोस वाला नाइट्रोजन फास्फोरस के बीच में बॉन्ड है, अब ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर को टूट जाएगा, अब क्या आ जाएगा, ये नाइट्रोजन चाहेगा कि इस पर क्या हो जाए, इस पर भी आपका डबल बॉन्ड बन जाए, ठीक है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, तीन बॉन्ड बनाता है, तो ये बॉन्ड आपका टूट जाएगा यहाँ से, ये नाइट्रोजन नहीं बनाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसका जो हाइड्रोजन होगा वो कहाँ आ जाएगा, आपका इस वाले नाइट्रोजन पे, यानी कि जितने भी नाइट्रोजन है आपके तीन जगह, उन पर आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, और नाइट्रोजन तीन दो दो बॉन्ड बना रहा है, वो आपके नाइट्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे और कहाँ लग जाएंगे, जा आपके ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी नाइट्रोजन है आपके तीनों जगह लगे हुए, इन पे आपका एक एक एच आ जाएगा, कहाँ का, जो OH ग्रुप से लगा होगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन टूट के आपका कहाँ लग जाएगा, नाइट्रोजन के साथ में, और क्या बना लेगा, NH 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 लगा लेगा, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में आपका फास्फोरस से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था इनका,
समावेवी परिवर्तन। थर्ड आप नेक्स्ट कह रहा है कि NPCl2 का होल थ्रांस का अम्लीय जल अपघटन कराने पर, क्या अम्लीय जल अपघटन कराने पर H3PO4 तथा NH3 प्राप्त होते हैं, क्या मिलता है? हमने क्या कराना है, फॉस्फीन, ठीक है, फॉस्फीन, फॉस्फाजीन का अगर आप अम्लीय जल अपघटन करा दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपको H3PO4 मिलेगा और क्या मिलेगा आपको, NH3 यानी कि अमोनिया आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, अमोनिया और फास्फोरिक एसिड यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, NPCl2 का होल फोर का उबलते हुए जल में जल अपघटन शीघ्रता से होता है, ठीक है, किसका, NPCl2 के होल फोर का, किसमें, उबलते हुए जल में जल अपघटन क्या हो जाता है, शीघ्रता से हो जाता है। तो हमें क्या करना है भाई, NPCl2 का होल फोर क्या लेना है, NPCl2 का होल फोर, ठीक है। अब देखो इसके चार मॉलिक्यूल लेने हैं, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, चार मॉलिक्यूल्स वाला हमें यहाँ पर लेना है। तो एक क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल आपका ये हो जाएगा, और थर्ड मॉलिक्यूल आपका ये हो जाएगा, और फोर्थ मॉलिक्यूल आपका ये हो जाएगा। ये हो गया आपका NP, क्या हो गया, NPCl2 का होल फोर, क्या है, NPCl2 का होल फोर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, उबलते हुए गर्म पानी के साथ में क्या कर देना है, जल अपघटन कर देना है, ठीक है, यानी कि HOH लगा दो, तो कितने Cl हैं, दो Cl, चार Cl, छह Cl, आठ, आठ हमारे पास क्या है, आठ हमारे पास है Cl, जब आठ Cl है तो आठ ही OH चाहिए होंगे, तो आठ OH के लिए आपको आठ जल के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, तो यहाँ पर 8H2O लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 8H2O लिखा हुआ है। जब 8H2O का OH आठ क्लोरीन, क्लोरीन को हटाकर उसकी जगह पे OH लगेगा, तो आठ Cl आपके बाहर निकलेंगे और आठ ही हाइड्रोजन, यहाँ से भाई OH आठ है तो आठ OH क्या करेंगे, आठ H+ बनाएंगे, तो वो Cl के साथ में बाहर निकल जाएंगे, तो ये आपके कितने होंगे, आठ HCl आपके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, सभी पे आपका OH लगा हुआ है, ठीक है, सभी फास्फोरस पे आपका क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। अब इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा, समावेवी परिवर्तन, जैसे कि ऊपर पढ़ा था उसी तरह से क्या हो जाएगा, इसका भी समावेवी परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें होगा क्या समावेवी परिवर्तन में, इसके कि जो नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में बॉन्ड था, क्या था, नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में जो आपका बॉन्ड था वो बॉन्ड टूट जाएगा, और OH ग्रुप जो पी पी पे आपके दो OH ग्रुप लगे हुए हैं उसका एक हाइड्रोजन आपके नाइट्रोजन से लग जाएगा, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा फास्फोरस से आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका समावेवी परिवर्तन में। तो क्या करना है भाई, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड रहा होगा, ये बॉन्ड आपका टूट गया, टूट के क्या हुआ, ये आपका इसके साथ हाइड्रोजन था, ये आपका नाइट्रोजन पे आ गया, ये बॉन्ड आपका टूट गया, ठीक है। इसी तरह से आपके इसकी कहानी होगी, ठीक है, तो इसी तरह से इनकी आपकी सबकी कहानी होगी, कि जो नाइट्रोजन फास्फोरस से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ था वो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और फास्फोरस से OH ग्रुप लगा हुआ था उसका हाइड्रोजन टूट के कहाँ आ जाएगा, नाइट्रोजन के पास में, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, समावेवी परिवर्तन में बॉन्ड क्या हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह आपका बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये हो गया आपका समावेवी परिवर्तन। अब अगर हम देखें, थर्ड पॉइंट है आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, कह रहा है निर्जल AlCl3, ठीक है, क्या है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में NPCl2 का होल थ्रा है, जिसके कितने मॉलिक्यूल होंगे आपके, तीन मॉलिक्यूल, तथा बेंजीन की क्रिया से डाइफेनिल व्युत्पन्न प्राप्त होता है, क्या मिलेगा, किसकी अभिक्रिया करानी है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, एक क्या होगा, तीन मॉलिक्यूल होंगे आपके फास्फाजीन के, और बेंजीन की क्रिया किससे कराने पर, डाइफेनिल व्युत्पन्न आपका प्राप्त हो जाएगा, NPCl2 का होल थ्राइज तथा बेंजीन, इनकी क्रिया करा दो, ठीक है, किसकी, NPCl2 का होल थ्राइज प्लस क्या है आपका, बेंजीन है, इनकी अभिक्रिया जब आप करा दोगे तो क्या मिलेगा, डाइफेनिल व्युत्पन्न प्राप्त होगा, क्या होगा, डाइफेनिल व्युत्पन्न प्राप्त होगा, यानी कि फिनाइल के डेरिवेटिव आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक मॉलिक्यूल, ये है आपका दो, और ये क्या है आपका तीन मॉलिक्यूल, और यहाँ पर क्या है आपका
C6H6, ये क्या है आपका बेंजीन। तो हमने क्या करा, फास्फाजीन के तीन मॉलिक्यूल लिए और क्या ले लिया, बेंजीन। इनकी जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा भाई, बेंजीन कुछ इस तरह से बना होगा। ये क्या है आपका बेंजीन, और सब जगह क्या लगा होगा आपका, एक एक हाइड्रोजन कुछ इस तरह से, प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन आपका बाहर की तरह लगा रहेगा, बाहर की ओर। अब ये बाहर की ओर लगा रहेगा, ठीक है। हमने कितने मॉलिक्यूल लिए हैं इसके, दो मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या है, दो मॉलिक्यूल, यानी कि प्रत्येक फास्फोरस पर आपके दो सीएल लगे हुए हैं, तो दोनों सीएल को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, दो बेंजीन चाहिए होंगे, ठीक है। कितने, दो बेंजीन चाहिए होंगे। तो इस सीएल को और इस हाइड्रोजन को हटा दो तो क्या हो जाएगा, एच सी एल, क्या बन जाएगा, एच सी एल, यानी कि ये जो सी एल है माइनस के चार्ज में निकलेगा बाहर, तो इस पे कैसा आ जाएगा, प्लस का चार्ज, और ये प्लस, और इस पे कैसा आ जाएगा, माइनस का चार्ज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस वाले फास्फोरस से जाकर लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लग गया एक जगह आपका C6H5, एक हाइड्रोजन बाहर चला गया एच सी एल के साथ में, इसलिए क्या लग गया, C6H5। इसी तरह से इस वाले कार्बन पे, इस वाले फास्फोरस पे भी आपका C6H5 लग जाएगा और एच सी एल आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, डेरिवेटिव बन गया किसका, डाइफेनिल का, ठीक है। ये दो फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं एक ही फास्फोरस से, तो क्या हो जाएगा आपका, डाइफेनिल डेरिवेटिव हो गया ये। साथ ही क्या निकल गया आपका, टू मॉलिक्यूल किसके, एच सी एल के बाहर चले गए, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा आपका क्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो कि बेंजीन इसके लिए आवश्यक होता है। फोर्थ कह रहे हैं अमोनिया से क्रिया, किससे, NH3 के साथ जब क्रिया होगा फास्फाजिन्स का, तब क्या होगा, कह रहा है NPCl2 का होल थ्रश तथा NH3 क्रिया से सभी Cl परमाणु NH2 समूह द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, किसकी, जब फास्फाजिन्स के मॉलिक्यूल कितने होंगे, तीन, और NH3 की जब आप क्रिया करोगे तो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि आपका जो Cl परमाणु है, क्या है, जो Cl परमाणु है आपका फास्फाजिन में, वो सभी क्या कह रहा है, NH2 द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, किसके द्वारा, सभी Cl परमाणु, यानी कि जो भी आपके Cl परमाणु हैं NPCl2 का होल थ्राइज में, वो सभी Cl परमाणु NH3 के NH2 ग्रुप द्वारा बाहर हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, और NH3 का जो हाइड्रोजन बचता है वो HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है, यही कह रहा है। तो कुछ इस तरह से इसका फॉर्मेशन हो जाएगा ये, ये आपका हो गया फास्फाजीन, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, NH3। अब देखो तीन मॉलिक्यूल है फास्फाजिन्स के, तो तीन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में हम जानते हैं कि आपके कितने हैं, NPCl2 का Cl2, ये क्या हो गया एक मॉलिक्यूल, और यहाँ पर तीन मॉलिक्यूल ले लो तो Cl कितने हो जाएंगे आपके, Cl हो जाएंगे छः, ठीक है। कितने Cl हो जाएंगे, छः। तो छः Cl को हटाने के लिए हमें छः NH3 चाहिए होंगे, ठीक है। छः Cl को हटाने के लिए आपको छः ही NH3 चाहिए होंगे। ये NH3 क्या देंगे आपको, NH2 देंगे, क्या देंगे आपको, NH2 देंगे, और यहाँ से आपका H प्लस को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। क्या देंगे, NH2 देंगे। अब ये जो H प्लस है ये क्या करेगा, 2HCl, और यहाँ से भी आपका 2HCl, और यहाँ से भी आपका 2HCl, और यहाँ से भी बस हो गए। तो कितने HCl हो गए आपके, दो चार छः, छः HCl आपके बाहर निकल जाएंगे। कितने निकल जाएंगे, छः HCl, और जहाँ से आपका Cl निकला है वहां पर ये बचा हुआ NH3 का NH2 ग्रुप जाके लग जाएगा, एमीन ग्रुप जाके आपका लग जाएगा, कहां पर, जहां से आपके Cl बाहर हुए हैं। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका। अब ये फास्फोरस से क्या लगा, दो आपके एमीन ग्रुप, प्रत्येक फास्फोरस से आपके दो एमीन ग्रुप लगे हुए हैं, और उसके पास में क्या है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो ये आपका बन जाएगा N3P3NH2 का होल सिक्स, ठीक है। नाइट्रोजन तीन है आपके, फास्फोरस तीन है, बाकी जो आपका रिप्लेसिंग ग्रुप है NH2, जो कि क्लोरीन परमाणु को हटाकर लगा हुआ है, उसके कितने होंगे, तीन मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, छह मॉलिक्यूल, NH2 का होल सिक्स, NH2 है, कितने हैं, छह NH2 है। अब क्या कह रहा है, इसको हीट कर दो, इसको क्या कर दिया है, अब इसको हीट कर दिया है, ठीक है। हीट करने पर क्या होगा, वही समावयवी परिवर्तन हो जाएगा, समावयवी परिवर्तन। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका NH3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्या होगा आपका NH3, जहां जहां आपका NH2 लगा है एक फास्फोरस पे, कुछ इस तरह से मान लो क्या लगा होगा, NH2,
और इस पे भी आपका NH2 लगा हुआ, प्रत्येक फास्फोरस पर आपके दो NH2 लगे हुए हैं। वहां से क्या होगा, एक तो नाइट्रोजन निकल जाएगा, ठीक है, दो हाइड्रोजन के साथ, और एक दूसरा जो NH2 ग्रुप है उसका एक हाइड्रोजन, ठीक है। मान लो ये P है, ये क्या है आपका NH2, और दूसरा आपका NH और H, इस तरह से लिख लो, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ये जो NH2 है वो क्या करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये दोनों हाइड्रोजन के साथ में एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन के साथ में क्या हो जाएगा, NH3 की फॉर्म में ये बाहर हो जाएगा, ठीक है, NH3 की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। तीन फास्फोरस है आपके, तो कितने, तीन NH3 आपके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, तीन NH3 आपके बाहर निकल जाएंगे। जब तीन NH, यहाँ से भी नाइट्रोजन निकलेगा तो ये इस पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, जो आपका बचा हुआ है उस पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH, P डबल बॉन्ड NH बचेगा आपका, तीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो जगह NH2 लगा हुआ था, एक जगह का NH2 दूसरे वाले NH2 के एक हाइड्रोजन के साथ में NH3 की फॉर्म में बाहर निकल गया। अब सभी कार्बन पे क्या बच गया, NH NH बच गया, और यहाँ पर क्या आ गया आपका, सभी फास्फोरस पे NH NH लग गया। बाकी क्या आ गया, जो आपका सिंगल बॉन्ड था, ठीक है, क्या था, सिंगल बॉन्ड था, वो अब आपका डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और ये क्या बन गया आपका, फास्फीन बन गया, ठीक है, फास्फम, फास्फम क्या बन गया, फास्फम का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। फिफ्थ आपसे कह रहा है एल्कोहल या एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, एल्कोहल या एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है, किसकी, फास्फोजिन्स की। तो एल्कोहल या एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, कह रहा है इस अभिक्रिया में सभी Cl परमाणु एल्कोहल समूह OH द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, किसके द्वारा, OH द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, यानी कि फास्फोजिन्स में जो आपका क्लोरीन परमाणु लगे होते हैं जितने, वो कह रहा है सभी क्लोरीन परमाणु एल्कोहल का जो OH ग्रुप होता है उसके द्वारा विस्थापित हो जाते हैं या हटा दिए जाते हैं, किसके द्वारा, OH द्वारा। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर समावयवी उत्पन्न करता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर समावयवी उत्पन्न करता है, ठीक है। समावयवी मतलब जो अभी हम पढ़ रहे थे बॉन्ड का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह, तो वो किस तरह से होगा वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका जो रिएक्शन कैसे होती है। ये आपका क्या है, कोई फास्जीन है, ठीक है, फास्फा जीन है, इसकी रिएक्शन किससे करनी है, किसी एल्कोहल से, किससे, किसी एल्कोहल के साथ जब इसकी रिएक्शन करोगे तो क्या कहा, तो ये कहा है कि जितने भी आपके सीएल हैं, क्या है, जितने भी आपके सीएल हैं वो एल्कोहल के OH समूह द्वारा विस्थापित कर दिए जाते हैं। मान लो ये क्या है आपका OH, किसका, एल्कोहल का, C2H5OH, ये लिख गया आपका C2H5OH। अब इसका जो H होगा किसका, एल्कोहल का हाइड्रोजन और फास्फीन का Cl, ठीक है, फास्फीन का क्या होगा आपका Cl, तो ये जाके आप फास्फाजीन का क्या होगा Cl, ये दोनों आपके HCl की भाव में बाहर निकल जाएंगे, कितनी जगह से, दो तीन चार छः जगह से, ठीक है, तो छः आपके क्या निकल जाएंगे, HCl बाहर निकल जाएंगे, HCl। अब छः जगह पे आपका क्या लग जाएगा, जाके छः जगह पे आपका क्या लग जाएगा, C2H5 और O, क्या लग जाएगा, C2H5O, ठीक है, C2H5O आपका छह जगह पे लग जाएगा। यहाँ पर क्या कर दिया, डबल, ठीक है, इसका ट्वाइस कर दिया है, मतलब कि फास्फोरस से ये लगे हुए कुछ आपके इस तरह से हैं, O C2H5 O C2H5, ठीक है, इनको क्या कर दिया है, ये कि ब्रेकेट में बंद करके क्या कर दिया, इनका होल ट्वाइस कर दिया, यानी कि ये दो बार लगे हुए हैं, ठीक है, प्रत्येक फास्फोरस पर आपके दो OCH2 ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये कहानी कब होती है, जब हम फास्फाजीन का एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसमें समावयवी परिवर्तन होता है, क्या होता है, समावयवी परिवर्तन होगा, तो समावयवी परिवर्तन में क्या है, ये जो आपका फास्फोरस ग्रुप से ओ सी टू एच फाइव लगे हुए हैं दो जगह, ओ सी टू एच फाइव जो दो जगह आपके लगे हुए हैं उनमें क्या होगा, एक ओ सी टू एच फाइव, क्या,
एक ओ सी टू एच फाइव का जो सी टू एच फाइव है, क्या है सी टू एच फाइव, वो टूट के कहाँ जाएगा, पड़ोस वाले नाइट्रोजन पर, कहाँ आ जाएगा पड़ोस वाले नाइट्रोजन पर, और उसका बॉन्ड टूटेगा नाइट्रोजन फास्फोरस के बीच वाला बॉन्ड, वो कहाँ पहुंच जाएगा ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, अब नाइट्रोजन फास्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, ठीक है क्या करना है, नाइट्रोजन फास्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है नाइट्रोजन फास्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये कहलाता है आपका समावेवी परिवर्तन, ठीक है यहाँ पर दो जगह लगा हुआ था तो एक जगह क्या आ गया वो सी टू एच फाइव सेम रह गया, यहाँ पर भी आपका सी टू एच फाइव था, क्या था सी टू एच फाइव, अब इसके बीच का बॉन्ड टूटा, ठीक है मान लो यहाँ क्या आ गया निगेटिव चार्ज, और इनके बीच का बॉन्ड टूटा कुछ इस तरह, ठीक है तो इसके बीच में, इसके और इसके बीच में मान लो क्या बन गया बॉन्ड बन गया, अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर मान लो क्या आ गया निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है अब ये पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आपका आके लग जाएगा, ठीक है नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन से क्या लग जाएगा सी टू एच फाइव, आपके तीनों नाइट्रोजन से सी टू एच फाइव, सी टू एच फाइव और सी टू एच फाइव आपका आके जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका समावेवी परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। सिक्स, करा पोटेशियम थायोसाइनेट, क्या है पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ अभिक्रिया, जब आप पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ अभिक्रिया करोगे किसकी फॉस्फोजन की, तो क्या होगा एसीटोन की उपस्थिति में प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा एनपी, और ब्रैकेट में क्या होगा सी एन एस का होल ट्वाइज, एनपी सी एन एस का होल ट्वाइज आपका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यह क्या हो जाएगा थायो साइनो फास्फाजीन, थायो साइनो फास्फाजीन हो जाएगा ये, ठीक है कितने मॉलिक्यूल है इसके, तीन मॉलिक्यूल, तो ये क्या हो जाएगा एन पी और ब्रैकेट में क्या है सी एन एस का होल ट्वाइज और इसका भी होल थ्राइज, ठीक है तो थायो साइनो थायो साइनेट फास्फाजीन आपका ये बन जाएगा, ठीक है एसीटोन की उपस्थिति में, तो ये ले लो आपने क्या ले लिया, एक आपका फास्फाजीन है, फास्फाजीन की रिएक्शन किससे कर दी पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ, किसकी उपस्थिति में आपने कर दी एसीटोन की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा आपका थायोसाइनेट फास्फाजीन, ठीक है क्या बन जाएगा थायोसाइनेट फास्फाजीन, ठीक है जितने मॉलिक्यूल हैं आपके उतने ही बन जाएंगे। अब यहाँ से हुआ क्या सीएल बाहर निकल गया, भाई छह सीएल है यहाँ पर, तो छह सीएल आपको बाहर निकालने के लिए के सीएल के साथ में छह ही आपको के चाहिए और सीएल तो है आपके, तो इसलिए यहाँ पर छह से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है अब रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई और छह केसीएल आपके बाहर निकल गए। सेवन कह रहा है क्षारीय प्रकृति, कैसी प्रकृति क्षारीय प्रकृति, ठीक है कह रहा फास्फोनाइट्रिलिक व्युत्पन्न दुर्बल क्षारीय होते हैं, कैसे होते हैं लेस बेसिक होते हैं, ये एच सी एल ओ फोर, एच सी एल ओ फोर तथा एस ओ फोर के साथ युग्मशील उत्पाद बनाते हैं, ये कैसे होते हैं फास्फोनाइट्रिलिक व्युत्पन्न होते हैं, जो डेरिवेटिव होते हैं वो आपके लेस बेसिक होते हैं, और क्या करते हैं इसके साथ एच सी एल ओ फोर और एस ओ फोर के साथ में युग्मशील उत्पाद बनाते हैं या एडक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया फास्फाजीन, क्या है ये फास्फाजीन है, जो कि किस तरह से लिखा होगा एन पी सी एल टू का होल थ्राइज, ठीक है एन पी सी एल टू का होल थ्राइज, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो छह सी एल हो जाएंगे, छह सी एल हो गए, इसमें मल्टीप्लाई कर दो तीन फास्फोरस हो गए, इसमें मल्टीप्लाई कर दो तीन, तो एन थ्री पी थ्री और सी एल कितने हो गए आपके सिक्स, इसकी रिएक्शन कर दो एच सी एल ओ फोर के साथ, तो क्या बनाता है ये एडक्ट प्रोडक्ट, यानी कि जुड़ जाता है ये जो होगा इसमें आपका आसानी से जुड़ जाएगा ज्यों का त्यों, तो क्या बन जाएगा एन थ्री पी थ्री सी सिक्स और एच सी एल ओ फोर, एन थ्री पी थ्री सी सिक्स और एच सी एल ओ फोर, ये ज्यों का त्यों आपका जुड़ जाएगा। इसी तरह से क्या करना है दोबारा से हमने क्या ले लिया एक मॉलिक्यूल ले लिया, तीन मॉलिक्यूल आपने किसके ले लिए फास्फाजीन के ले लिए और दो मॉलिक्यूल आपने किसके ले लिए एच सी एल ओ फोर के, तो ये क्या होगा ये भी आपका आपस में दोनों मॉलिक्यूल इससे जाके लिंक हो जाएंगे, ठीक है तो एन थ्री पी थ्री सी सिक्स डॉट टू एच सी एल ओ फोर बना लेगा। इसी तरह से अगर आप तीन मॉलिक्यूल ले लोगे, चाहे इसके ले लो चाहे एसओ थ्री के ले लो एसओ फोर, तो ये भी क्या हो जाएगा ये भी आपका जाके जुड़ जाएगा, ठीक है ये भी आपका यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा, ठीक है एसओ फोर है तो एसओ फोर के साथ में जाके कुछ इस तरह से आपको जुड़ जाएगा, क्या करता है ये लेस बेसिक होता है इसलिए क्या करता है एडक्ट प्रोडक्ट देता है, यानी कि योगात्मक अभिक्रियाएं देता है,
तो ये जाके आपका आसानी से जुड़ जाता है और ये क्या बना लेता है, प्रोडक्ट बना लेता है। कह रहा है विस्थापन अभिक्रियाएं कैसी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। विस्थापन अभिक्रियाएं ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें फास्फोरस और क्लोरीन के बीच का जो बंध होता है, क्लोरीन परमाणु विस्थापित होता है, जिनमें फास्फोरस और क्लोरीन बंध का जो क्लोरीन परमाणु होता है वो क्या हो जाता है, हट जाता है, विस्थापित हो जाता है किसी अन्य मॉलिक्यूल द्वारा या परमाणु द्वारा। कह रहा है SN2 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती हैं, और कौन सी क्रिया विधि द्वारा ये पूरी होती हैं, SN2 रिएक्शन द्वारा, ठीक है, SN2 रिएक्शन द्वारा। अनेक नाभिक स्नेह सीहन परमाणु को विस्थापित कर देते हैं, आपके जो न्यूक्लियोफिलिक एटम होते हैं, कैसे होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होते हैं, वो क्या कर देते हैं, सील परमाणु को विस्थापित कर देते हैं निगेटिव चार्ज के रूप में, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक आएगा तो दूसरे परमाणु को न्यूक्लियोफिलिक की फॉर्म में ही आपका बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो नाभिक स्नेही, नाभिक, यहां पर अगर हम बात करें नाभिक की, तो नाभिक में आपका कैसा चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है, ठीक है, न्यूक्लियस, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि इस पर कैसा होगा, नेगेटिव का चार्ज। तो कैसे होते हैं ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यूक्लियोफिलिक, फिलिक मीन्स होता है लविंग, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस में प्लस का चार्ज होता है और ये माइनस के चार्ज, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। मान लो अब ये न्यूक्लियस किसी को गया, ठीक है, सीएल मान लो फॉस्फोरस से लगा हुआ, तो ये क्या है, एनयू, जब ये आएगा तो क्या होगा, ये इससे लगेगा और उसी समय ये सीएल आपका बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से फास्फोरस से लगा सीएल परमाणु सीएल क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। दूसरा फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है ग्रिगनार्ड अभिक्रमक के साथ भी आंशिक अथवा पूर्ण विस्थापित व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, किसके साथ, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ भी आपका क्या मिलेगा, या तो आंशिक या पूर्ण विस्थापित व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। आंशिक मतलब होता है बहुत कम या थोड़ा, ठीक है, पूर्ण या पूरी तरह से, कम भी हो सकता है आपका, पूरी तरह से विस्थापित व्युत्पन्न भी आपको प्राप्त हो सकता है, ठीक है। पार्शियल एंड फुल सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव आर ऑब्टेंड विद द ग्रिगनार्ड रिएजेंट, या तो पूरी तरह से आपके कैसे होंगे, व्युत्पन्न होंगे, या कैसे होंगे, आंशिक रूप से या कम व्युत्पन्न, ठीक है। मान लो कोई प्रोडक्ट 100% बनता है, तो ये 100% ना होकर कितना बन रहा है, मान लो 20% बन रहा है, मान लो 25% बन रहा है, तो ये कैसे होंगे, आंशिक होंगे, ठीक है, कैसे होंगे, आंशिक डेरिवेटिव होंगे। तो हम बात करें यहाँ ग्रिगनार्ड रिएजेंट की, ठीक है, किसकी, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो ये आपका हो जाएगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है, क्या होता है, आर एम जी एक्स, ये होता है आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट, जहाँ आर की जगह आपका क्या हो सकता है, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, एरिल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये एरिल ग्रुप है, क्या है, C6H5 बेंजीन है ना, बेंजीन, ये क्या होता है, एरिल, मतलब चक्रीय या साइक्लिक या रिंग, ठीक है, उनको कहते हैं एरिल। ये क्या है, फास्पाजिन, फास्पाजिन जब रिएक्शन करेगा किसी, किसके साथ में, ये क्या है आपका C6H5MgBr ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ में जब अभिक्रिया करता है, तो ये क्या बनाता है, या तो पूर्ण, ये लिखा, आंशिक अथवा पूर्ण विस्थापित भी उत्पन्न देगा, किसके, इसी के, फास्फाजीन के, या तो पूरी तरह से विस्थापित भी उत्पन्न होंगे या आंशिक विस्थापित भी उत्पन्न होंगे। मींस जो आपका इसमें दे रखा है ग्रिगनार्ड रिएजेंट में, ये क्या करेगा, या इसके अंदर जो होगा Cl2, ये इनको या तो पूरी तरह से हटा देगा या आंशिक, मतलब कम कम हटा पाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपका C6H5 दे रखा है, तो C6H5 क्या करेगा, यहाँ से Cl2 को हटा देगा, Cl2 कितने हैं, 6 Cl हैं अपने, Cl बराबर 6, और C6H5 भी कितने हैं आपके, 6, तो ये C6H5 क्या करेंगे, 6 Cl परमाणु को हटा देंगे और उससे जाके आपके अटैच हो जाएंगे, ठीक है, फास्फोरस से। बचा गया आपका MgBr और Cl2, अब क्या बच गया, अब यहाँ पर बच गया आपका Mg और Br, और आपका Cl कितने, Cl बराबर 6, तो 6 Cl है, तो 6 Cl क्या करेंगे, 6 ही MgBr चाहिए होंगे ना उनको, तो 6 MgBr, तो 3 MgCl2 और 3 MgBr, ये Mg कितने हैं आपके, Mg भी 6 हैं और आपके Br भी 6 हैं,
ठीक है, क्या एम जी छः और आपके बी आर छः, तो एम जी 3 Mg और Cl2, यानी कि Mg कितने हो गए 3 और Cl2 कितने हो गए 6, Mg कितने हो गए 3 और Br कितने हो गए 6, ठीक है। तो ये 3 MgCl2 और 3 BrCl2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि क्या है, एक डेरिवेटिव है फॉस्फाजीन का, ठीक है, किसके साथ, फिनाल के साथ। सेकंड, ओ कह रहा है फ्लोरिनीकरण से फ्लोरो फ्लोराइड व्युत्पन्न बनते हैं, फ्लोरिनीकरण यानी कि फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा, फ्लोराइड व्युत्पन्न बनते हैं, ठीक है, क्या बनता है आपका, फ्लोराइड व्युत्पन्न। जब फ्लोराइड व्युत्पन्न बनेगा तो क्या करना है, कोई एन मॉलिक्यूल, ये क्या है आपके एन मॉलिक्यूल है फास्फाजीन के, किसके, फास्फा जीन के, कितने मॉलिक्यूल है, एन मॉलिक्यूल, रिएक्शन किसके साथ में करनी है आपको, फ्लोराइड के साथ में, किसके साथ में, फ्लोराइड के साथ में, तो क्या ले लिया NaF यानी कि सोडियम फ्लोराइड, क्या है आपका, सोडियम फ्लोराइड। तो सोडियम फ्लोराइड के साथ जब आप रिएक्शन करोगे तो Cl क्या है, जितने भी Cl होंगे वो फ्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिए जाएंगे और क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो फ्लोरीन परमाणु क्या करेगा, NpCl2 से NpCl2, ठीक है, इसके साथ फास्फोरस के साथ जितने भी आपके Cl लगे होंगे इनको कौन हटा देगा, फ्लोरीन परमाणु उठा देगा और फ्लोरीन का डेरिवेटिव ये बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, NpF2 का होल एन, NP और F2 का होल एन, और साथ ही साथ क्या बचेंगे, एन नंबर ऑफ आपके NaCl, एन नंबर ऑफ NaCl, ठीक है, एन मॉलिक्यूल जो है सोडियम क्लोराइड के बाहर निकल जाएंगे, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, जितना आप यहाँ पर एफ लोगे, ठीक है। उपयोग देख लो, इनके तीन चार उपयोग है, फटाफट देख लो। नंबर एक, मजबूत प्लास्टिक फोम तथा रेशों के निर्माण में, जो आपका फास्फाजींस होता है इनका उपयोग कहाँ होता है, मजबूत प्लास्टिक बनाने में, फोम बनाने में और रेशों रेशों को बनाने में, ठीक है। सेकंड है अग्निशय तथा जल सह प्लास्टिक बनाने में, वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ इस तरह के प्लास्टिक बनाने में भी आपका फास्फाजीन का प्रयोग किया जाता है, इसके पॉलीमर प्रयुक्त होते हैं। थर्ड कह रहा है पॉली एमिनो फास्फेजीन का उपयोग जली त्वचा या घाव के ढकने में, त्वचा जल जाती है या क्या हो जाती है, जल जाती है, उसके घाव जो बन जाते हैं, ठीक है, उनको ढकने के लिए क्या होता है आपका, पॉली एमिनो फास्फेजीन, पॉली एमिनो फास्फेजीन का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका फास्फाजीन का पॉलीमर है, क्या है, पॉलीमर है, किसका, फास्फाजीन का। फोर्थ कह रहा है तन्य प्लास्टिक के बनाने में, कुछ स्ट्रेचेबल प्लास्टिकों का निर्माण भी इसी से किया जाता है आपका, फास्फा जीन से, ठीक है। तो ये आपके तीन चार यूज थे, वो याद हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।